अपने पिछले वीडियो में हमने आलू का पूरा परिचय दिया था और संक्षेप में ये भी बताया था कि इसकी विधि पूर्वक खेती में आपको किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसकी विधि पूर्वक खेती का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है बीज का चुनाव एवं उसका उपचार। बीज उपचार करने से न केवल आलू के फसल में लगने वाले कीड़ों या झुलसा बीमारी से इसे बचाया जा सकता है या उससे होने वाली हानि को कम किया जा सकता है, बल्कि इससे इसकी उपज को भी बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। आलू के बीज का चुनाव करते समय हमें उसकी सही प्रजाति और उसके सही आकार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बीज का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बीज को किसी भरोसेमंद स्रोत से ही खरीदना चाहिए, ये पता करना चाहिए कि वो बीज किसी रोगग्रस्त क्षेत्र से नहीं आया हो। बीज का आकार 3 से 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसका वजन 30 से 35 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। बीज देखने में रोगग्रस्त, सूखा, कटा फटा या फिर पिलपिला न हो। इसके अलावा उस बीज में अन्य किस्मों के कंद मिले हुए नहीं हो। अगर आप आलू के बीज खरीदने दुकान पर जा रहे हो तो आप उस दुकान में रखे आलू के बीज के कुछ बोरों में से 2-4 आलू निकालकर वही काटकर देखिए। अगर उस कटे हुए आलू के अंदर काला दाग हो या फिर सड़ा हुआ दिखे तो उस बोरे से आलू के बीज को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस तरह के आलू से फसल में बीमारी लगती है और उसका उत्पादन भी कम होता है। खेतों में आलू के बीज की सही मात्रा का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। झारखंड के ज्यादातर किसान बीज की कम मात्रा लगाते हैं, जो कम उत्पादन का एक बड़ा कारण है। 10 डेसीमल में कम से कम 100 किलो बीज लगाना चाहिए। आलू के बीज को लगाने से पहले उसके बीज को ठीक से रखना, उसकी छटाई करना, उसमें अंकुरण कराना और रोगों से उसे बचाने के लिए बीज को उपचारित करना अच्छी फसल लेने की पहली शर्त होती है। इसलिए बीज चाहे जिस स्रोत से भी लिया गया हो, बीज का उपचार करने से पहले उसमें से वैसे कंद जो आकार में छोटे हो, कटे हुए हों, जिसमें काला धब्बा दिखाई दे या फिर जिसमें सड़ने का चिन्ह दिखाई दे, सिकुड़े या पिलपिले हों, वो कंद जिनमें अंकुर बड़े हो गए हों या हरे हो गए हों, दूसरी किस्म के कंद या फिर वैसे कंद जिसमें छिलके का रंग कहीं कहीं हरा दिखाई दे, तो उसे अलग कर देना चाहिए। सड़ा गला या रोग लगा हुआ बीज को अलग करने के बाद उस खराब कंद को जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ देना चाहिए। गलती से भी उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए या फिर कंपोस्ट के गड्ढे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये रोग ग्रसित होता है, जिससे कि आपके आने वाली फसल में भी बीमारी लग सकता है। छटाई के बाद चुने गए इन अच्छे कंदों का अच्छी तरह से उपचार करना चाहिए। इन बीजों का उपचार करने के लिए सबसे पहले किसी नाद या ड्रम में 20 लीटर पानी ले और उसमें 40 ग्राम मैंकोजेब पाउडर, जिसे M45 भी कहते हैं, को मिलाकर अच्छी तरह से उसका घोल बना ले। ध्यान रहे कि प्रति 1 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम M45 का प्रयोग करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से झुलसा नामक रोग से काफी हद तक बचाव होता है। इस घोल में 10 किलो आलू के बीज को डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। 15 मिनट के बाद इन बीजों को घोल से बाहर निकालकर किसी साफ जूट के बोरे या चादर पर फैला देना चाहिए। अब इसी घोल में 10 किलो बीज और डालें और फिर उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इस घोल का इस्तेमाल बीज उपचार के लिए केवल 2 बार ही करना चाहिए। 2 बार प्रयोग करने के बाद उस घोल को फेंक कर नया घोल बनाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बाजार से लाए हुए आलू के बीज में पहले से ही अंकुरण हो चुका हो। पहली बात कि अगर अंकुर ज्यादा बड़े हो गए हो तो ऐसे बीज को न खरीदें, और दूसरी बात ये कि अगर बहुत छोटे अंकुर निकल आए हों तो उन्हें उठाने, रखने और मिलाने में काफ़ी सावधानी बरतें, जिससे अंकुर बिल्कुल टूटने ना पाए। अगर अंकुर टूट जाएगा तो उनका जमाव नहीं होगा। ऐसे अंकुरित कंदों को M45 के घोल में डालकर उपचार करने के बजाय कंदों को एक प्लास्टिक या जूट के चादर पर पतली तह बनाकर फैला लें और इस पर M45 के घोल का छिड़काव स्प्रेयर द्वारा कर कंदों को पूरी तरह तरबतर कर लें और इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर आगे के उपचार की प्रक्रिया करें। अब जिस बीज को आपने घोल से बाहर निकाला था उसकी सतह से थोड़ा पानी सूख जाए लेकिन उसमें हल्का गीलापन हो, तो उस पर 40 ग्राम PSB पाउडर और 40 ग्राम अजेटोबैक्टर पाउडर को बारी बारी से उस पर छिड़क कर और अच्छी तरह से उस पर मिला लें। PSB को मिलाने से आलू की फसल की जड़ मजबूत होता है
और इससे कंदों को बढ़ने के लिए जरूरी पोषक तत्व भी मिलता है। इसी प्रकार अजिटोबैक्टर से बीज को उपचारित करने से पौधों को नाइट्रोजन मिलता है, जिससे पौधों का सही विकास होता है और कई बीमारियों से इसका बचाव भी होता है। अंत में 60 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 10 किलो बीज पर इस तरह से छिड़क कर मिलाएं कि हर कंद पर चारों तरफ से उसकी एक परत जम जाए। ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंदी नाशक होता है जो आलू की फसल को कई तरह की बीमारियों, विशेषकर झुलसा से बचाता है तथा इससे कंदों का अंकुरण भी अच्छा होता है और पौधे भी स्वस्थ होते हैं। इसके बाद इसे आधे घंटे तक किसी छायादार जगह में सुखाएं। उपचार की ये सारी प्रक्रिया किसी छायादार जगह पर करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपचारित कंदों को धूप में न रखें और ना ही इसे दोबारा बोरे में भरें। इन उपचारित कंदों को किसी कमरे में जहां ज्यादा रोशनी नहीं हो, किसी नाद या फिर बड़ी टोकरी में नीचे और ऊपर पुआल से अच्छी तरह से ढककर रख दें। अगले 5-6 दिनों में इसमें अंकुरण आने लगेगा। बीच बीच में हमें इसकी अंकुरण की जांच करते रहना चाहिए। अंकुरण आते ही उस बीज को खेत में लगा देना चाहिए। ध्यान रहे कि अगर कंदों में पहले से ही अंकुरण निकल चुका हो तो उसे अंकुरण के लिए रखने की जरूरत नहीं है। इन्हें उपचार करने के 1-2 घंटे बाद सीधे बुआई के लिए ले जा सकते हैं। इस प्रकार आप भी अपने बीज का सही चुनाव एवं उसका विधिपूर्वक उपचार करके उसे कई बीमारियों से बचा सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आलू की खेत की तैयारी कैसे करते हैं एवं उसे खेतों में लगाते कैसे हैं।